भूमाफिया जिले भर में सक्रिय होकर प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर लगातार भूमाफियाओं का राज चल रहा है। जिले के वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत बमोरी विधानसभा के तहत बमोरी रेंज के ग्राम शेरपुर में आदिवासियों की करीब 100 बीघा जमीन पर दबंगों के द्वारा जबरिया कब्जा कराने का किए जाने का मामला सामने आया है। पिछले 5 दिनों से दबंग लोग रात बिरात उनकी भूमि पर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे परेशान एक दर्जन से अधिक आदिवासी लोगों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर आकर वन मंडल अधिकारी से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि मामला वन भूमि पर आदिवासियों और पड़ती वन भूमि पर अवैध कब्जे का है। यहां आदिवासी लोग वन भूमि के पट्टों पर करीब 40 साल से खेती कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इस पर दबंगों की नियत खराब हो रही है। आपको बता दें कि शिवदान सिंह निवासी शेरपुर ने बताया कि उनका गांव खेरीखटा के पास है। वो 40 साल से यहां पर पट्टे की जमीन पर काबिज हैं, लेकिन दबंग उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दबंग आदिवासियों की भूमि पर 5 दिन से लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दबंग लोग दो गांव के हैं, वे इनकी भूमि पर हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों के पास भू अधिकारी पट्टे हैं। जिला मुख्यालय पर एक दर्जन से अधिक पीड़ित आदिवासी डीएफओ की शिकायत करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया कर्मियों को भी उन्होंने अपनी बात बताई। आदिवासियों ने कहा कि रेंजर को शिकायत भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लिहाजा अब डीएफओ के समक्ष उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। इसमें उन्हें आश्वासन दिया गया है कि मामले की जांच की जा रही है। समन में मयंक चांदीवाल वन मंडलाधिकारी गुना ने बताया कि इस मामले की अभी जांच की जाएगी। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। दबंगों के द्वारा वन भूमि पर कब्जा करने की बात पर उन्होंने कहा कि बमोरी, फतेहगढ़, गुना उत्तर, गुना दक्षिण, राघोगढ़ में सभी रेंजों में एक प्लान तैयार किया जा रहा है। क्या नाम है आप? सुल्तान सिंह। कहाँ से आए हो आप? शेरपुर से। शेरपुर जी। ये कहाँ पड़ता है? ये खेरीखटा के पास में, खेरीखटा पंचायत है। बमोरी विधानसभा का मामला है जी। क्या परेशानी से आए हो? सर हम 40 साल से हम बनमूवी का काबिज थे सर, और जबरदस्ती लोगों ने, मुंदल वाले ने आगे ट्रैक्टर चला दी, अकाई बुआई कर दी, हमारी को सुनते ही नहीं। मुंदल के कौन व्यक्ति हैं? यादव लोग हैं। और आप लोग कौन है? यादवासी हैं। कितने लोग आए हो आप? 15-20 आदमी आए। यहाँ वन मंडल विभाग में आए हो, यहाँ पे कुछ सुनवाई हुई आपकी? सर उन्होंने जो बताया आप धंधे जाओ हमारे को कोई। कब लाका आई है? चाहे 5 दिन हो चुके हैं सर। कितने बीघा जमीन होगी करीब? 100 बीघा करीब है। 100 बीघा जी। तो बमोरी विधानसभा में यादव समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया जी। एक ही गांव ने किया है कि और भी अन्य लोग? एक पटना, दो गांव पटना भी है। सर बताइए क्या मामला है जो आदिवासी लोग आपके यहाँ पे शिकायत के लिए आए हैं? उनका कहना है कि हमारी जमीन पे अवैध कब्जा कर दिया गया है दबंग लोगों द्वारा। इस मामले की भी जांच की जाएगी। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। निरंतर रूप से इसमें कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। जहां पर कुछ पाया जाता है वहां पर पीओआर पंजीबद्ध करने की और उसके बाद प्रोचालन करने की इत्यादि की भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। साथ ही जहां पर गश्ती के दौरान वन भूमि पर खेत पर ट्रैक्टर चलते हुए मिलते हैं, उनको जब्ती की कार्रवाई की जाकर रासाती कार्रवाई भी। सर बमोरी विधानसभा में अधिकतर दमंग लोगों द्वारा वन भूमि की जमीन पर कब्जा करते निरंतर देखा जा रहा है, तो आप अभी नया पदभार आए आपकी ओर से, तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल, बमोरी, फतेहगढ़, गुना उत्तर, गुना दक्षिण, राधोगढ़, सभी रेंजों में हमारा पूरा एक हम अभी प्लान तैयार कर रहे हैं। कोरोना की वजह से हमने ये प्लान को अभी होल्ड किया था कि हम अभी लोगों को बेदखल करेंगे अगर वन भूमि पर से, तो मतलब थोड़ा कोरोना की वजह से होल्ड करना पड़ा, बट अभी हम फिर से प्लान कर रहे हैं इस चीज़ को और काफ़ी ज़्यादा इसमें कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी।